एयरटेल कस्टमर्स को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि एयरटेल कंपनी की तरफ से प्रीपेड यूजर्स को लेकर एक बड़ा ऐलान जो है वो किया गया है, जिसमें मोबाइल डेटा की बात करें या फिर कॉलिंग की बात करें, ये जो है वो इसमें एयरटेल ने ये कहा है कि ये जो है वो फ्री में दिया जाएगा। एक बड़ी राहत जो है वो ग्राहकों को एयरटेल की तरफ से दी गई है। आपको बताते चलें कि टेलीकॉम ऑपरेटर भारतीय एयरटेल ने अपने कुछ चुनिंदा ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए फ्री में अनलिमिटेड जो ये कहें कि मोबाइल डेटा की बात करें, कॉलिंग की बात करें, वो देने का ऐलान किया है। और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपको बताते चलें कि जिस तरह से लगातार जो है वो एयरटेल जो है वो पिछले कुछ दिनों से लगातार जो इन्होंने मोबाइल रिचार्ज के जो प्लान बढ़ाए थे उसको लेकर सुर्खियों में था, लेकिन ऐसे में बता दें कि प्रीपेड एयरटेल सब्सक्राइबर्स को रिचार्ज ख़त्म होने के बाद जो है वो कई सारी जो ज़्यादा जो वैलिडिटी है वो दी जा रही है। यानी कि जो लोग वहाँ पर जो है वो आपदा में फंसे हुए हैं, उनके होने के चलते रिचार्ज नहीं कर पा रहे, तो अब वह भी बाकियों से कॉल और इंटरनेट के जरिए कनेक्ट रह सकते हैं। आपको बताते चलें कि केरल के वायनाड में जो है वो बीते मंगलवार में हुई तेज़ बारिश के बाद लैंडस्लाइड के चलते जो है वो कई सारे लोगों की जाने वहां पर लगभग 256 के करीब लोगों की जाने अब तक वहां पर जा चुकी हैं, जिसके चलते एयरटेल की बात करें तो इनकी तरफ से एक बड़ा ऐलान जो है वो किया गया है। एयरटेल ने केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन को लेकर बड़ा ऐलान किया है, जिसमें कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए फ्री सर्विसेज का देने का जो है वो ऐलान किया है। हालांकि कई लोगों की वहां पर जान चली गई है, लगभग 256 के करीब लोगों की वहां पर जान गई है, लेकिन अब तक कई सारे लोगों को वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है। इसी के चलते आपको बता दें कि एयरटेल ने इस ये कहें कि मुश्किल घड़ी में जो है वो अपने ग्राहकों के लिए खास ऐलान किया है, जिसमें कंपनी ने प्रीपेड यूजर्स के लिए फ्री सर्विसेज का ऐलान किया है, जिसमें चाहे आपको अगर आप प्रीपेड यूजर्स हैं तो उसमें आपको 1 GB डेली डेटा जो है वो अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 SMS की जो है वो सुविधा इसमें फ्री मिलेगी, लेकिन ये सभी सर्विसेज जो है वो 3 दिनों के लिए वैलिडिटी जो है वो के लिए मिलेंगी। और ऐसे में बता दें कि इसके अलावा कंपनी ने पोस्ट पेड यूजर्स के लिए बिल पेमेंट की तारीख को जो है वो 30 दिनों के लिए बढ़ा दिया है, और इससे ग्राहकों को जो है वो एक बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन ऐसे में आपको ये भी बता रहे चले कि इसके अलावा कंपनी ने कई दूसरे कदम भी लोगों को राहत देने के लिए उठाए हैं, जिसमें कंपनी ने अपने 52 स्टोर को रिलीफ पॉइंट में जो है वो तब्दील किया है। और इसी के साथ साथ वायनाड में हुई इस तबाही में कई गाँव जो है पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, और इन इलाकों में इमारतें जो है पूरे तरीके से गिर गई हैं और गलियों में भी जो है वो वहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं। इसी के चलते एयरटेल ने कहीं ना कहीं उन लोगों पर तरस खाया है केरल के वायनाड में, जो तबाही का मंजर वहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते एयरटेल की तरफ से जो है वो वहाँ पर जितने भी एयरटेल के केरल के वायनाड में जितने भी एयरटेल के प्रीपेड यूजर्स हों या फिर पोस्टपेड यूजर्स हों, उनको लेकर बड़ा ऐलान जो है वो किया गया है, जिसमें आपको बता दें चलें कि 1 GB जो पर डे का डाटा है और इसके साथ साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 के करीब जो SMS हैं वो पर डे में आपको मिलेंगे। बल्कि आपको बता दें चलें कि ध्यान ये भी रखें कि एयरटेल का ये ऐलान जो है वो सिर्फ वायनाड के लोगों के लिए, केरल के वायनाड के लोगों के लिए ही है, बल्कि इसका फ़ायदा दूसरे यूजर्स को जो है वो नहीं मिलेगा। अब अगर आप सोचेंगे कि हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं तो हमें भी इसका बेनिफिट मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एयरटेल कंपनी ने साफ तौर पर ये कहा है कि ये ऐलान जो है वो सिर्फ केरल के वायनाड के लोगों के लिए ही है, और ऐसे में इसका फ़ायदा दूसरे यूजर्स को नहीं मिलेगा। लेकिन जो वहाँ पर एक अब तक की घड़ी वहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसमें कई सारे लोगों की अब तक जान चली जा चुकी है, और इसी के चलते कंपनी ने जो है वो कई बड़े ऐलान किए हैं। एयरटेल कंपनी ने यहाँ पर प्रीपेड यूजर्स को 1 GB जो डेली डेटा है और अनलिमिटेड कॉलिंग की बात करें और डेली 100 SMS की सुविधा की बात करें वो फ्री दी जाएगी, लेकिन सिर्फ ये केरल के वायनाड के लोगों को दी जाएगी, और ये सभी सर्विसेज जो है वो 3 दिनों की वैलिडिटी के लिए जो है वो मिलेंगी। लगातार एयरटेल और जियो जो है पिछले दिनों अपने अपने जो प्लान्स इन्होंने हाइक किए उसको लेकर जो है वो ये सुर्खियों में थे, लेकिन आज जिस तरह से केरल के वायनाड में इस तरह से तबाही का मंजर वहाँ पर देखने को मिला है, तो ऐसे में एयरटेल ने केरल के इस वायनाड में हुए भूस्खलन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए फ्री सर्विसेज का वहां पर ऐलान किया है कि केरल के वायनाड में जितने भी लोग वहां पर रहते हैं वहां पर उनको फ्री सर्विसेज दी जाएंगी। इसी के साथ साथ जो है वो यहां पर इनको जो है वो मोबाइल इंटरनेट की बात करें तो वो भी जो है वो उन्हें पर डे का 1 GB डाटा जो है वो दिया जाएगा। तो आप जनता भी अपने अपने सुझाव जरूर दें एयरटेल कंपनी के इस फैसले को लेकर, क्योंकि केरल के वायनाड में तबाही वहां पर देखने को मिल रही है। लगभग 256 के करीब लोगों की अब तक जाने जा चुकी हैं, और लगातार
रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो वो वहाँ पर जारी है। भारतीय सेना को वहाँ पर मौके पर भेजा गया है ताकि जल्द से जल्द जो भी लोग वहाँ पर जो है वो इस तबाही में वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको वहाँ से जो है वो रेस्क्यू किया जाए। लेकिन इस बीच एयरटेल ने उस वक्त ये अपना ये कहें कि बड़ा ऐलान किया है, जब वहाँ पर हालात इतने ख़राब हो चुके हैं तो ऐसे में एयरटेल को कहीं ना कहीं तरस आया और उसने वहाँ पर जो है वो एयरटेल कंपनी ने वहाँ के जितने भी यूज़र्स हैं प्रीपेड यूज़र्स की बात करें या फिर पोस्टपेड यूज़र्स की बात करें तो उनको लेकर के जो बड़े ऐलान किए हैं जिसमें फ्री सर्विसेज की बात करें तो वो वहाँ के लोगों को दी जाएंगी। लेकिन एयरटेल ने ये कहा है कि ये बाकी कहीं के यूज़र्स को नहीं दी जाएगी बल्कि सिर्फ ये सुविधा जो है वो केरल के वायनाड के लोगों को ही दी जाएगी। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून, जय हिंद भारत।